स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस अमेजिंग वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अधिकतर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ लड़के ही खाना क्यों पकाते हैं, साथ ही साथ गो एयर एयरलाइंस में अधिकतर लड़कियों को ही नौकरी में क्यों रखा जाता है, और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर वेटर का काम बंदर करते हैं, और एक ऐसा कैफे जो कि पूरी तरीके से कार्टून वर्ल्ड की तरह दिखाई देता है, और एक ऐसा सवाल कि वाकई में क्या जलपरियां होती हैं, जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब आज के इस बेहतरीन वीडियो में। फैक्ट नंबर 10, आप सभी ने जटायु के बारे में तो जरूर से ही सुना होगा, जिसने सबसे पहले माँ सीता को रावण से बचाने की कोशिश किया था। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि केरल में जटायु पार्क है, जिसमें जटायु का सबसे बड़ा स्टैचू को बनाया गया है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी एक पक्षी की मूर्ति भी है। फैक्ट नंबर 9, आप सभी ने कई से मस्त मस्त क्यूट बिल्लियों को तो जरूर से ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बिल्ली के चार कान को देखा है? अगर नहीं तो आप इनसे मिलिए, जो कि एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा हुआ, जिसके कारण इस बिल्ली के करीब चार कान हैं। फैक्ट नंबर 8, अधिकतर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आपको लड़के ही दिखाई देंगे खाना पकाते हुए, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लड़के लड़कियों की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा खाना बना लेते हैं। इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। फैक्ट नंबर 7, स्टारफिश का नाम आते ही हमारे दिमाग में स्टारफिश का ये वाला फोटो आ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टारफिश स्टार शेप का जैसा ही नहीं बल्कि स्क्वायर शेप का भी आता है, और इसे देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि गो एयर एयरलाइन जो है उसमें सिर्फ लड़कियों को ही नौकरी में रखा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियों का वजन लड़कों की तुलना में काफी ज्यादा कम होता है, जिसके कारण फ्यूल यानी कि ईंधन की काफी ज्यादा बचत होती है, और इसी कारण प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होता है, जो कि एक गजब की स्कीम है। फैक्ट नंबर 5, आप सभी ने जलपरियों के किस्से तो जरूर से ही सुने होंगे, तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में जलपरियां होती हैं कि नहीं? तो इसका सिंपल आंसर है कि जलपरियां होती हैं कि नहीं, इसका आज भी कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने जलपरियों को देखा है। तो आइए इस बात को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। साल 1603 में थॉमसन रेनॉल्ड्स नाम का एक किसान, जिसने पहली बार जलपरी को देखा था, एक ऐसा जीव जिसका शरीर का ऊपरी भाग एक कन्या का होता है और शरीर का नीचे वाला हिस्सा एक मछली का होता है। जलपरी के बारे में रामायण में भी जिक्र मिलता है। आपको याद होगा सुवर्ण मच्छा जो कि मत्स्यांगना राजकुमारी थी, उसने राम सेतु को बिगाड़ने की कई बार कोशिश कर चुकी थी, और इसी में उसे बजरंगबली जी से प्रेम भी हो जाता है, और इसी तरीके से कई सारी बातें जलपरी के होने की ओर संकेत करते हैं। खैर, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जलपरियां होती हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, आप सभी ने कई से बेहतरीन पेंटिंग को तो जरूर से ही देखा होगा, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि एक और कला होता है जिसमें कुछ इस तरीके से कांच के कुछ कुछ हिस्सों में दरार लाके किसी के भी फोटो को तैयार किया जाता है, और ये कला सच में काबिले तारीफ है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जापान में कैसा रेस्टोरेंट है जहां पर वेटर के रूप में इंसान नहीं बल्कि बंदर काम करते हैं? ये बात जानकर हैरानी जरूर से होती है, लेकिन ये बात सच है, और बंदरों को सैलरी के रूप में केले दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप सभी ने कई से फेमस कार्टून को तो जरूर से ही देखा होगा, और ये बात आपके भी दिमाग में आया होगा कि काश मैं भी कार्टूनों की दुनिया में जा पाता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साउथ कोरिया में एक ऐसा कैफे को तैयार किया है जो कि पूरी तरीके से कार्टून की दुनिया लगती है, और इसमें हर एक चीज जैसे कि टेबल कुर्सी या जो भी चीज पूरी तरीके से एनिमेटेड कार्टून की तरह दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 1, आप सभी ने नॉर्मल अर्थवर्म को तो जरूर से ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवर्म यानी कि केचुआ को देखा है? अगर नहीं तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और एक केचुआ करीब 3 मीटर जितना लंबा है, सच में डरावना। आज के इस अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी अमेजिंग वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।